धनबाद के बाद अब साहिबगंज जेल में भी छापा, बाथरूम भी खंगाला गया। धनबाद मंडल कारा के बाद अब साहिबगंज जेल में भी पुलिस ने छापेमारी की है। साहिबगंज डीसी और एसपी के नेतृत्व में सोमवार अहले सुबह भारी संख्या में साहिबगंज मंडल कारा पहुंची पुलिस बल ने छापेमारी अभियान चलाया। करीब ढाई घंटे तक चले इस छापेमारी में जेल के सभी वार्ड, वार्ड के शौचालय, सुरक्षा कर्मियों के ठिकाने सहित जेल की चार दीवारी की भी बारीकी से जांच की गई। हालांकि जांच के दौरान कोई आपत्तिजनक चीज बरामद होने की जानकारी नहीं है। सुबह भारी संख्या में पुलिस बल को देखकर जेल में हड़कंप मच गया। जेल इंस्पेक्शन कम थोड़ा सा कैदियों से बात करने का था, क्योंकि लोगों ने उनके वेलफेयर के विषय में काफ़ी बात चर्चा की। कुछ मेडिकल के इश्यूज़ हैं, कुछ खाने का भी इश्यूज़ रहा है। हम सब जेल स्प्रिंट बात कर लिए हैं, 7 दिन के अंदर व्यवस्थाएं सब ठीक कर दी जाएंगी, यही हमने उनको निर्देश दिए। थैंक यू। मंडल कारा साहिबगंज में डीसी साहब के नेतृत्व में आज हम लोगों ने औचक निरीक्षण किया। 9:20 में हम लोगों की एंट्री वहाँ हुई है और करिए 12:30, 11:15 में हम लोग अभी आ रहे हैं। डीसी साहब की टीम अभी अंदर में है, जस्ट वो लोग भी निकलेंगे ही। सूचनाएं तो अलग अलग ढंग की थी, लेकिन सबका सत्यापन किया गया और कुछ अभी चल भी रहा है। पूछे किस ढंग का सूचनाएं थी कि गवाह लोगों को थ्रेट किया जा रहा है, गवाही नहीं दो और रंगदारी वगैरह के लिए कुछ बातें हम लोगों के सामने आई थी। समेकित रूप से सबका जांच अभी हुआ है, क्योंकि ठंडे का समय है, बंदियों को कपड़ा वगैरह या फूड मटेरियल जो दिया जा रहा है, संदर्भ की भी जांच चल रही है। जो मजिस्ट्रेट लोग पर कितने फोर्स लगाए गए, मेरे तरफ से हम लोगों ने करीब 80 पुलिस पदाधिकारी या कर्मी को हम लोगों ने बहुत शॉर्ट नोटिस में यहां भेजा है। ये एक अच्छा था, इसके लिए थैंक यू। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कैदियों ने रोजाना मिलने वाले भोजन के मामले में भी पहले कई बार शिकायत की थी, जिसको लेकर साहिबगंज डीसी के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। मौके पर जिला के कई पदाधिकारी व नगर थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता, जिड़वाबारी थाना प्रभारी प्रणवीत पटेल, मुफसील थाना प्रभारी अनूप प्रकाश व बोरियो थाना प्रभारी निरंजन कच्छप समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।